जय हिंद सभी भाइयों को। इस मचलती धूप में आपका भाई लेकर हाजिर है फिर से एक नई वीडियो। देखिए, ज़्यादा समय ना गवाते हुए बात करते हैं एक छोटे से टॉपिक पर कि जो लोग थाने के अंदर में जाते हैं, पता लगता है पुलिस उनके साथ में वहाँ पर गाली गलौज करती है। तो पुलिस गाली गलौज क्यों करती है यार तुम लोग के साथ में? तुम लोग हमेशा पुलिस से ही परेशान रहते हो। पुलिस तुम लोग को सिर्फ डरवाती है, ठीक है, और तुम लोग डर जाते हो। अगर पुलिस वाले आपके साथ थाने के अंदर में गाली गलौज कर रहे हैं या फिर आपको धमकी दे रहे हैं तो करना क्या है? कुछ नहीं करना। एक सिंपल सा टॉपिक सुन लो आज। मान लो, देखो, इंडियन पिनल कोड तो सुना है। इंडियन पिनल कोड इसलिए बना है, उसमें कई सारे सेक्शन से, मतलब आप कोई भी क्राइम करते हो तो अलग अलग क्राइम के अलग अलग धाराएं होती हैं। तो जो अलग अलग क्राइम की अलग अलग धाराएं हैं, वो ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही लागू हैं। यानी पुलिस वाला अगर तुमको गाली दे रहा है, जैसे तुम अगर किसी को गाली दोगे तो तुम्हारे ऊपर 504 IPC लगेगी। तो क्या पुलिस वाला दूसरे गोले से आया है? यार तुम दूसरे गोले से आए हो, तुम भी तो इसी गोले को हो, वो भी इसी गोले का, तो उसके लिए भी वही कानून है ना। अगर वो गाली दे रहा है तो उसको भी 504 IPC के तहत जो है गिरफ्तार करना चाहिए या फिर उसके खिलाफ भी मुकदमा चलेगा, ठीक है। तो देखो, आप कहीं पर अपनी बाइक लेकर मार्केट घूमने जा रहे हो, एक पुलिस वाला आपको रास्ते में रुका करके अगर ये बोलता है कि चलो फाइन भरो, आप फाइन भरने को तैयार हैं, अब वो बोलता है इतना नहीं इतना फाइन दो वरना मैं तुमको फर्जी केस में अंदर डाल दूंगा। यानी वो आपको वहाँ पे धमकी दे रहा है, 506 IPC का अपराध कर रहा है वो वहाँ पे, उसमें 2 साल की सज़ा और जुर्माने से उसको बाध्य किया जा सकता है। अब आप लोग डर जाते हो कि ये तो पुलिस वाला है, मैं इसका क्या करूँगा। यहाँ पर मैं पूरे डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा, लेकिन यार कुछ ऐसे भरे हुए हैं जो आम नागरिकों को परेशान करते रहते हैं या फिर अपनी वर्दी का नाजायज फ़ायदा उठाते हैं। तो डरना नहीं है यार। एडवोकेट नाम सुना है? एडवोकेट एक ऐसी चीज़ होती है यार, एक नॉर्मल भी वकील लेके चले जाओगे थाने के अंदर में ना, इन लोग इनकी औकात पता लग जाती है, बहुत कायदे से बात करते हैं। क्योंकि एक वकील को अपने अधिकारों के बारे में पता होता है, कानून की जानकारी होती है, तो उनके साथ में तो वो बदतमीज़ी करते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने इसके साथ में बदतमीज़ी कर दी यहाँ पर ना, तो मेरे खिलाफ़ ही साला उल्टा एक्शन ले लेगा और फिर मैं फंस जाऊँगा। आपको जानकारी नहीं होती, इसलिए आप लोग को ये जो है सताते रहते हैं। तो करना क्या है? देखो, अगर इंडियन पिनल कोड में कई सारे सेक्शंस हैं, कोई आपको गाली देता है या फिर आप किसी को गाली देते हो तो आपके ऊपर 504 IPC लगेगी, आपको 2 साल की सज़ा और जुर्माने से बाध्य किया जाएगा। आप किसी को अगर धमकी देते हैं, आपके ऊपर 506 IPC लगेगी, आपको 2 साल की सज़ा और जुर्माने से बाध्य किया जाएगा। नॉर्मली मारपीट, एक दो थप्पड़ मार दिया, 323 लग जाएगा, यानी 323 लग जाएगा IPC का, और उसमें भी आपको जो है सज़ा सुनाई जाएगी। तो अगर पुलिस वाला आपके साथ में यार गाली गलौज कर रहा है, धमकी दे रहा है, तो उसके लिए भी तो वही प्रोसेस है ना। करना कुछ नहीं है, आप बाइक लेके मार्केट घूमने जा रहे हैं, आपके पास हेलमेट नहीं है, अब ये आपसे बोलता है कि चलो फाइन भरो, आप फाइन भरने को तैयार हो, ठीक है। अब ये कहेगा कि इतना नहीं इतना पैसा, तो आपके साथ धमकी करता है, बदतमीज़ी करता है, गाली गलौज करता है, कुछ भी करता है, एक रामबाण सुनो, चिल्लाओ खूब ज़ोर ज़ोर से, वहीं पर खूब हल्ला मचाने लग जाओ, सारी पब्लिक को बोलो कि फला पुलिस वाला मेरे साथ में जो है बदतमीज़ी कर रहा है, मुझे गाली दे रहा है, इसको यह अधिकार नहीं है और ये मेरे साथ में बदतमीज़ी कर रहा है, सभी लोग आप लोग वीडियो बनाइए। तो यानी वहाँ पे अगर सब वीडियो बनाने लग गए ना, तो एक ड्रामा क्रिएट हो जाएगा यार। आप सोच सकते हो आपको कितनी हेल्प मिल सकती है वहाँ पर। चलिए मानते हैं कि वहाँ पर पब्लिक नहीं है, आपको सुनसान एरिया में रोका है, आप अपना फ़ोन निकालिए, उसकी वीडियोग्राफी करने लग जाइए। अब उसके पास तो वर्दी है, वो वर्दी का रौब झाड़ते हुए आपका मोबाइल उठा के फेंक देगा, फोड़ देगा। चलो कोई बात नहीं, ये भी ऑप्शन हटा देते हैं। आप यार चुपके से अपना फ़ोन निकाल कर वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लो, वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके जेब में डाल लो फ़ोन। अब वो आपको धमकी दे रहा है, गाली दे रहा है, कुछ ना कुछ तो यार प्रूफ मिल जाएगा उस वीडियो के अंदर में आपको, कि मतलब हल्की भी धमकी, कुछ भी गाली, कुछ भी उसके वॉइस कुछ हल्की सी भी कैप्चर हो गई तो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। बस आपको कुछ ना कुछ प्रूफ ले लेना है। मान लो नहीं भी लिया है, फिलहाल कोशिश करना ले लेना, नहीं भी लिया तो आगे बात करते हैं उसके लिए कि आप अब आपके पास सब कुछ हो गया, यानी आपके साथ में बदतमीज़ी हो गई। यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है। बाकी बात करते हैं कि मान लीजिए आपके साथ में बदतमीज़ी हो गई, अब किसी नॉर्मल व्यक्ति के साथ बदतमीज़ी होती है, उसके साथ कोई क्राइम होता है, वो पीड़ित होता है, वो कहाँ जाता है? वो थाने पे जाता है, वो थाने पे जाता है पुलिस वाले के पास, पुलिस वाले की मदद लेता है, FIR फाइल करवाता है। अब पुलिस वाले ने यहाँ पे आपके साथ में बदतमीज़ी कर रखी है, पता लगेगा, आप अगर आप थाने चले जाएंगे ना तो पुलिस वाले कहेगा ससुराई, हमारे ही डिपार्टमेंट वाले लोगों को लिखवाने के लिए हमारे पास आ गया है, यहाँ से भाग जाओ, तो आपको वहाँ से भगा देगा। तो ऐसा कुछ मत करना, आपको थाने मत नहीं जाना है, आपको कोर्ट जाना है यार, कोर्ट जाओ, न्यायालय। पता है आज भी जब दो लोग की लड़ाई होती है तो अगला बंदा यही बोलता है, आई विल सी यू इन द कोर्ट। क्यों बोलता है? क्योंकि उसको ये चीज़ पता होती है यार कि न्यायालय आज भी इतना पावरफुल है ना कि मुझे न्याय मिलेगा। तो न्यायालय न्याय देने के लिए बना है, कानून भले ही अंधा लेकिन जज अंधा नहीं होता है, जज को सब दिखता है कौन सही कौन गलत और क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको पुलिस वाले के पास नहीं जाना है, जिस भी पुलिस वाले ने आपके साथ बदतमीजी की उसका नाम निवास हर चीज़ फला नोट करके एक पेपर पे एप्लीकेशन बनाओ, एक वकील से हायर करो यार, एक अच्छा वकील हायर करो, उसके माध्यम से कोर्ट जाओ और इसको छोड़ो नहीं। अगर आपके साथ में कोई क्राइम वो कर रहा है, आपको गाली दे रहा है,
मारपीट कर रहा है या फिर धमकी दे रहा है तो वो क्राइम खुद भी कर रहा है आपके साथ में। आपको छोड़ना नहीं है, आपको कोर्ट जाना है। 156/3 CRPC के अंतर्गत इसको जो है एक परिवाद दे दीजिए कोर्ट के अंदर में। अब कोर्ट में आपने परिवाद दे दिया अपने वकील के माध्यम से, अब यहाँ पे उसको सज़ा सुनाई जाएगी। उसने आपको धमकी दी, 506 IPC में उसको 2 साल की सज़ा होगी, जुर्माना देना पड़ेगा। गाली गलौज किया है, 504 IPC लगेगी। मान लीजिए उसने कुछ नहीं किया, नॉर्मल बदतमीजी की, तब भी 166 IPC लगेगी, ठीक, उसमें भी उसको सज़ा होगी। यानी कुल मिलाकर के आपको अगर पुलिस वाला परेशान करा है तो आप कोर्ट से जो है ले सकते हैं सपोर्ट। कोर्ट बहुत ही पावरफुल चीज़ है यार, न्यायालय आज भी बहुत मजबूत है। आप लोगों को लॉ रिलेटेड अगर और भी वीडियोज़ चाहिए तो अगली वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है यार। भाई का सपोर्ट करना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।